19 सेंचुरी के शुरुआत तक लोगों को लगता था कि मैटर जो है ये एटम से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम से बना हुआ है, और ये जो एटम्स है ये सारे एटम्स इनडिविजिबल है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, ऐसा लोगों का सोच हुआ करता था। लेकिन 19 सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी के शुरुआत में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ने ये दिखा दिया कि एटम जो है ये इनडिविजिबल नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना हुआ है, और इन पार्टिकल्स को, जिससे कि एटम बना हुआ है, इन पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। तो इन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से सबसे पहले जिसका खोज हुआ था, जिसका डिस्कवरी हुआ था, वो था इलेक्ट्रॉन्स। इसका डिस्कवरी में बहुत बहुत सारे साइंटिस्ट्स का योगदान रहा है, लेकिन इसका जो डिस्कवरी था ये बड़े ही एक अनरिलेटेड एक्सपेरिमेंट से आया था। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में साइंटिस्ट्स एक बड़े ही अनरिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कम प्रेशर में, लो प्रेशर में एयर कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और जो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इसका नेचर कैसा होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ ऐसा होता है कि एक ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर के एयर को वैक्यूम पंप से बाहर निकाला जाता है, और इसके अंदर होता है दो मेटालिक प्लेट्स। इन प्लेट्स को जोड़ा जाता है बैटरी के दो टर्मिनल्स के साथ, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है इसे, और दूसरे प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से, सफिशिएंट वोल्टेज प्रोवाइड करने से, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है और अंदर का ट्यूब ग्लो करने लगता है। तो साइंटिस्ट्स ये देख रहे थे कि अंदर जो भी ग्लो कर रहा है या अंदर जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है इसका नेचर कैसा है। तो इस संदर्भ में सबसे पहला सिग्निफिकेंट काम जिन्होंने किया था वे थे यूलियस प्लकर। इन्होंने 1859 में ये दिखाया कि अंदर ये जो भी यहाँ से पास कर रहा है इसका नेचर, फंडामेंटल बेसिक नेचर कैसा है, इसके बारे में इन्होंने पहला एक कदम लिया। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया एक मैग्नेट, तो अंदर इन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया। जैसे ही अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया गया, जिस स्पेस से ये जो भी है ये पास कर रहा है, ग्लोइंग थिंग जो भी है ये पास कर रहा है, वहाँ पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया गया तो ये बेंड हो गया। तो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो गया, एक तो ये जो भी है इसका सोर्स जो है ये सोर्स ये पॉजिटिव साइड नहीं हो सकता है, बल्कि ये नेगेटिव साइड होगा इसका सोर्स। आप यहाँ कॉमन सेंस लगा सकते हैं, अगर इसका सोर्स ये पॉजिटिव प्लेट होता तो फिर ये सीधे ऐसे आता, और यहाँ से अगर ये डिफ्लेक्ट करता तो इस तरह से ये डिफ्लेक्ट करता। चूंकि इसका सोर्स ये नेगेटिव प्लेट है इसीलिए ये नेगेटिव प्लेट से सीधे बाहर निकल रहा है, और जैसे ही इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा तो यहाँ से ये बेंड करने लगा, यहाँ से ये इस तरह से बेंड करता है। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि ये जो भी है अंदर, जो भी पास हो रहा है, इसका सोर्स ये पॉजिटिव प्लेट नहीं है बल्कि ये नेगेटिव प्लेट है, और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ जो प्लेट है इसे कहा जाता है कैथोड, ये कैथोड है, और जो पॉजिटिव साइड के साथ जोड़ा जाता है, बैटरी के पॉजिटिव साइड के साथ जिस प्लेट को जोड़ा जाता है इसे कहा जाता है एनोड। तो चूंकि ये अंदर जो भी है इसका सोर्स कैथोड है इसीलिए इसे कहा गया कैथोड रे। और साथ ही साथ ये बड़ा ही नोन था उस समय कि चार्ज जो है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूविंग चार्ज डिफ्लेक्टेड होता है, जैसे यहाँ पर डिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है और मूविंग नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। तो इसका जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है ये ऐसे आया और इस तरह से डिफ्लेक्ट किया, तो इस डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करते हुए ये बड़ा ही क्लियर था कि जो भी यहाँ अंदर पास कर रहा है इसका नेचर नेगेटिव चार्ज का है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है जो भी अंदर ये पास कर रहा है। फिर यूलियस प्लकर का ही एक स्टूडेंट आते हैं विलहेम हिटोर्फ, उन्होंने 1869 में ये दिखाया कि ये जो रे है अगर यहाँ बीच में कोई सॉलिड बॉडी इंसर्ट करते हैं
तो फिर यहाँ बैक साइड में इसका एक शैडो क्रिएट होता है। और जब शैडो क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब ये जो भी पास कर रहा है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास करता है। सो इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इसीलिए इसका एक शार्प शैडो बन रहा है। फिर इसके आगे आते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया करते हैं। आगे आते हैं विलियम क्रुक्स। इन्होंने क्या किया कि इस ट्यूब के अंदर इंसर्ट कर दिया एक पेडल व्हील। इस पेडल व्हील को इंसर्ट करते साथ ये पेडल व्हील मूव करने लगा। ये रोटेट क्यों कर रहा है? तो क्रुक्स ने इस तरह से इसे एक्सप्लेन किया कि जरूर कुछ ना कुछ यहां से जो पास कर रहा है उसके पास मोमेंटम रहा होगा जो कि इसके साथ कोलाइड कर रहा है, और मोमेंटम जो है उसका मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है और ये व्हील जो है ये व्हील रोटेट कर रहा है। तो ये पाया गया कि जो भी यहां पर अंदर पास कर रहा है इट हैज मोमेंटम, उसके पास मोमेंटम भी है। अब आगे एक और एक्सपेरिमेंट होता है। अब आते हैं आर्थर शुस्टर, और इन्होंने क्या किया कि दो प्लेट्स को कुछ इस तरह से यहाँ सेट किया और इन दो प्लेट्स को जोड़ दिया बैटरी के साथ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसे जोड़ दिया गया। इससे हुआ क्या? इससे यही हुआ कि इस प्लेट में आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट में आ गया नेगेटिव चार्ज, और इमीडिएटली ये जो है इस तरह से डिफ्लेक्टेड हो गया। अंदर का जो भी ग्लोइंग थिंग है ये यहाँ पर डिफ्लेक्टेड हो गया। तो यहाँ से ये फिर से क्लियर हो गया कि अंदर जो भी पास कर रहा है इसका नेचर नेगेटिव चार्ज का होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चार्ज को अपने से दूर रिपेल करता है। इसीलिए ये जो ग्लो कर रहा है इसका डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ हुआ, पॉजिटिव चार्ज के तरफ इसका डिफ्लेक्शन हुआ। तो फिर से एस्टेब्लिश्ड हो गया कि अंदर जो भी है, जो भी पास कर रहा, इसका नेचर नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये तो हो रहा था एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के फील्ड में, लेकिन इसी दौरान थियोरिटिकल फिजिक्स के फील्ड में भी एक नया कॉन्सेप्ट आया। ये कॉन्सेप्ट लाते हैं जॉर्ज जॉनस्टोन स्टोनी। 1891 में स्टोनी ये एक पेपर पब्लिश करते हैं। वे कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, उस समय इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में तो बहुत सारा नॉलेज था हमारे पास, लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्ज फंडामेंटली क्या है ये हमें नहीं पता था। तो स्टोनी ये प्रपोज करते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है, ये जो भी है, ये बहुत ही फंडामेंटल कुछ चीज से जरूर बना होगा, और उस बिल्कुल फंडामेंटल चीज का नाम उन्होंने रखा इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां से आप ये मत सोचिए कि आज हमें जो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है स्टोनी को भी वो पता था। स्टोनी ने जस्ट ये कहा था कि इलेक्ट्रिकल चार्ज फंडामेंटल लेवल पे किसी चीज से जरूर बना होगा और उन्होंने उसका नाम रख दिया था इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं वापस एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के फील्ड में। अब क्या है, 1897 में जे जे थॉमसन एक बड़ा ही रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट करते हैं। वे क्या करते हैं, कुछ इसी तरह का सेटअप होता है, एक एक इस तरह का ग्लास ट्यूब जिसके अंदर की एयर को पंप से बाहर निकाला जाता है, जैसे कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। एग्जैक्टली वैसा ही सेटअप है, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दो प्लेट यहाँ पर यूज़ किया था, लेकिन ये दूसरे वाले प्लेट में एक छेद था। अब इन दोनों प्लेट्स को जोड़ दिया गया बैटरी के दो टर्मिनल के साथ। इस बार ध्यान रखें इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो बैटरी के दो टर्मिनल्स के साथ जोड़ दिया गया, और जैसे ही इसे जोड़ा गया वैसे ही निकला यहां से कैथोड रे। चूंकि यहां पर एक छेद है तो इस छेद के थ्रू कैथोड रे बाहर निकल सकता है, तो कैथोड रे यहां से बाहर निकल रहा है। अब थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने सबसे पहले यहां पर इंट्रोड्यूस किया एक मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करने से इस कैथोड रे में होगा डिफ्लेक्शन, और कैथोड रे में कुछ इस तरह का डिफ्लेक्शन दिखा। अब थॉमसन क्या करते हैं, थॉमसन इंट्रोड्यूस करते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। दो प्लेट्स यहां इंसर्ट कर देते हैं थॉमसन, और इन दोनों प्लेट्स को जोड़ देते हैं बैटरी के दो टर्मिनल के साथ, इससे पॉजिटिव टर्मिनल और इसे नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, क्या इस प्लेट में
पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर जाता है और इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर जाता है। इससे ऑब्वियसली ये जो कैथोड रे है, चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्टेड होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो ऐसा ही हुआ। अब थॉमसन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे रहने देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मैग्नेट इंट्रोड्यूस करके मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था, इस मैग्नेट के इंसर्शन से क्या होगा, ये कैथोड रे नीचे की तरफ डिफ्लेक्टेड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इसे ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो दोनों को फाइन ट्यून करते हुए, एडजस्ट करते हुए थॉमसन कुछ ऐसा सेटअप बनाए कि यहाँ पर इस कैथोड रे में थोड़ा भी डिफ्लेक्शन ना हो। एक इसे नीचे की तरफ धकेले, दूसरा इसे अगर ऊपर की तरफ धकेले, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए तो इसमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। बस अब ये जो नॉन मैग्नेटिक फील्ड और नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसके वैल्यू को यूज करते हुए, फिजिक्स के कुछ फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, थॉमसन ने जो भी यहां से पास हो रहा है उसका चार्ज और मास का रेशियो उन्होंने पता किया। यहां पर आपको लग सकता है, आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर स्टैंडर्ड 9th का किताब देखे तो यह लिखा हुआ है कि जे जे थॉमसन ने मास टू चार्ज रेशियो पता किया था। अगर आप 11th का किताब उठा के देखे एनसीईआरटी, तो वहां पर आप पाएंगे कि चार्ज टू मास का रेशियो उन्होंने पता किया। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, दोनों बात बराबर है। अगर आपको पता है कि a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 2, देन इट इज वेरी ऑब्वियस दैट b डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको यह पता है तो बाय डिफॉल्ट आपको यह भी पता है। तो डोंट बॉदर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मास टू चार्ज रेशियो लिखा हुआ रहे या चार्ज टू मास रेशियो लिखा हुआ रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थॉमसन ने सिंपल कैलकुलेशन से जो भी यहां से पास कर रहा है उसका चार्ज टू मास रेशियो उन्होंने पता किया, और वे पाते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा 1.758820 × 10^11 कूलॉम पर किलोग्राम है। यहां पर आप एक नेगेटिव साइन लगा सकते हैं क्योंकि जो भी चार्ज है यहां पर ये नेगेटिवली चार्ज है, तो यहां पर चार्ज का साइन नेगेटिव होगा, तो यहां पर आप एक नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। और थॉमसन ने अलग अलग प्लेट यूज करते हुए, अलग अलग मटेरियल का प्लेट यूज करते हुए चार्ज टू मास रेशियो पता किया था, और उन्होंने हर समय यही पाया था कि चार्ज टू मास रेशियो जो है वो इतना ही है, वो फिक्स्ड है। तो थॉमसन ये कंक्लूड करते हैं कि जो भी कैथोड रे है ये जरूर कुछ एक फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, इसीलिए वो प्लेट के सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हमेशा उसका नेचर सेम है, उसका चार्ज टू मास रेशियो फिक्स्ड है। और चूंकि स्टोनी ने इससे पहले कहा था कि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटली इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो थॉमसन ने ये कहा कि यही वो इलेक्ट्रॉन है, और इस तरह से डिस्कवरी होता है इलेक्ट्रॉन का। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये तो स्टैंडर्ड 9th के लिए वीडियो है। अगर आप स्टैंडर्ड 11th के स्टूडेंट हैं और एक्सीडेंटली इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जानना है कि जे जे थॉमसन ने किस तरह का इक्वेशन यूज किया था, तो उसके लिए आप यूट्यूब के सर्च बार में जाके लिख सकते हैं कि थॉमसन एक्सपेरिमेंट एडू पॉइंट, आपको वो वीडियो दिख जाएगा। तो फिर स्टैंडर्ड 9th के लिए अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 9th के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।